अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध करीला माता मेले में आई नृत्यांगनाओं के एचआईवी टेस्ट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। खबर मध्य प्रदेश के स्टेट हेड इमरान खान ने अशोकनगर जिला भाजपा अध्यक्ष आलोक तिवारी से फोन पर बातचीत की, जिसमें उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अशोकनगर जिले के करीला स्थित मां जानकी धाम में हर साल रंगपंचमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ नृत्यांगनाएं शामिल होती है। इस वर्ष करीला मेला में एक अजीब किस्म का मामला सामने आया, जहां दूर दराज से करीला धाम पर पहुंची नृत्य करने वाली महिलाओं का सार्वजनिक रूप से एचआईवी टेस्ट कराया गया। जैसे ही एचआईवी टेस्ट की खबर मीडिया में आई तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया। वहीं आनंद फानंद में अशोकनगर सीएमएचओ को हटा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमारे स्टेट हेड इमरान खान ने अशोकनगर जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही घृणा कृत्य प्रशासन के द्वारा किया गया है। ग्वालियर संभाग कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। और क्या कहा आप भी सुनिए। आलोक तिवारी जी बात कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष भाजपा अशोकनगर से। जी आलोक जी, अभी करीला धाम एक महान मतलब कहा जाए तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला वहाँ पर भरा जाता है, और वहाँ पर इस बार देखने में आया कि शासन प्रशासन के द्वारा जो नृत्य करने वाली महिलाएं उनका एचआईवी टेस्ट करवाया गया है, जो कि एक सार्वजनिक रूप से कहीं ना कहीं बिल्कुल अवैध है। और आपकी सरकार एक और महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या मुख्यमंत्री जी जो भी कार्यक्रम अगर आयोजित करते हैं, कन्या पूजन के साथ करते हैं, और आपकी सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अगर ऐसा कुछ किया गया तो उसमें आप क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए, आपके प्रश्न में दो हिस्से हैं। पहला प्रश्न तो ये है आपका, पहले प्रश्न को तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करीला धाम हमारे क्षेत्र का पूरे गौरव है। माँ जानकी का प्रसिद्ध मंदिर है और सनातन समाज के लिए वो बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। वहाँ रंगपंचमी के जो बड़ा मेला भरता है जी, उसमें लाखों श्रद्धालु आकर मैया के दर्शन करते हैं और अपनी मनोती मांगते हैं। जब उनकी वो मनोती पूरी होती है तो वहाँ जो नृत्यांगनाएं होती हैं जी, उनको वो नृत्य के माध्यम से अपना आभार जताती है मैया के प्रति। ये विशुद्ध भक्ति का वातावरण उसमें रहता है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा विषय नहीं रहता जी। और ये पूरा तरह से एक आस्था का, धर्म का, अध्यात्म का और भक्ति का केंद्र है जी। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि सरकार, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडी लक्ष्मी की जो अभिनव योजना शुरू की, उससे उन्हें बालिकाओं का संवर्धन हुआ। आज हम जो लाड़ी बहना, हमने 5 मार्च से योजना की शुरुआत की है, उसमें हम अपनी बहनों के आर्थिक स्वावलंबन के लिए भी, वो आर्थिक से मजबूत बने, उनके पास खुद के व्यय के लिए पैसा हो, खुद के पास पैसा हो, इसके लिए हमने योजना शुरू की है। ये बिल्कुल कहना सही है कि हमारे सारे कार्यक्रम बालिका के पूजन से शुरू होते हैं, और अब तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने बहनों के पूजन से गंगा, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, इस तरह से प्रतीकात्मक रूप से आलोक जी, सवाल ही खड़ा होता है, सवाल ही खड़ा होता है कि एक वो, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, मैं जो आप कहना चाह रहा हूँ उसी विषय पे आ रहा हूँ। अभी मुझे रंगपंचमी के दिन ये सुनने में आया था कि स्वास्थ्य विभाग की टीम कुछ ऐसे टेस्ट कर रही है जिन टेस्टों की वहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ भक्ति है, जहाँ धर्म है, जहाँ अध्यात्म है, जहाँ समर्पण है, जहाँ आस्था है, वहाँ इस तरह की कोई वो आवश्यकता नहीं थी जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो नहीं होना थी जी, जी। इसके लिए हमारे माननीय कमिश्नर ग्वालियर ने एक जांच कमेटी गठित की है जी, जी। वो कमेटी जांच कर रही है, उसके निष्कर्ष निकलेंगे, उस निष्कर्ष के आधार पर शासन प्रशासन निष्पक्ष रूप से उचित कार्रवाई करेगा। लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा होता है लोग जी, कि एक सीएमएचओ को वहां से हटाकर क्या इसको एक शांत करने के विषय में प्रशासन, क्योंकि सीएमएचओ नहीं करवा सकता, कोई वरिष्ठ अधिकारी का इसमें निर्देश होगा, उसके बाद ही जांच कराई गई है, और सीएमएचओ को हटाकर क्या इस मामले को पूरे को शांत कराया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी पर राज नहीं करने कराने जैसी कोई स्थिति नहीं है जी। सनातन धर्म ही होने के नाते मेरी भी पूरी आस्था माँ जानकी पर है जी, और मैं भी ये मानता हूँ कि वहाँ जो 10-15-20-25 लाख लोग आते हैं जी, वहाँ मैया के दर्शन और आध्यात्म के लिए आते हैं जी। लेकिन अगर कहीं कोई चूक है तो अब मैं किसी पे आरोप नहीं लगा सकता जी, कि किसकी गलती है, किसने किया क्या किया है जी। बिल्कुल, पॉलिटिकल सिस्टम में, प्रशासन में एक तंत्र होता है, एक व्यवस्था होती है जी, और उस व्यवस्था के अनुरूप जांच कमेटी काम कर रही है, और निश्चित रूप से वो जो निर्णय, जो निष्कर्ष देगी उस पर निर्णय होंगे। तो आप ये माने आलोक जी कि आपकी तरफ से बिल्कुल सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर किसी ने कोई गलती ऐसी की है, अपराध ऐसा किया है, उस पर कार्रवाई होगी, किसी को बचाने का कोई काम उसमें है नहीं है जी। जी,
ओके आलोक जी, धन्यवाद खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ये जो बेड्स लगे हुए हैं सब प्रिपरेशन हो चुका है, जैसे अभी ऐसे करीब 15-20 बेड लगाए हैं, लेकिन ये अस्पताल 50 बिस्तरी एक्सपेंडेबल अस्पताल है कि जरूरत पड़ने पर हम इसमें बेड बढ़ा सकते हैं, गद्दे बिछा के 50 बेड की व्यवस्था के साथ क्षमता के हिसाब से इसको बनाया गया है। और करीब हमारे पास 300 आईवी फ्लूड्स हैं, जरूरत पड़ जाए मान लो कुछ ऐसा खा पी लें लोग जिससे हैजा उल्टी ऐसी संभावना बनती है, तो उसके लिए आईवी फ्लूड है जिससे आराम से सलाइन दी जा सकती है। दूसरा एक चीज़ होती है निश्चित है कि इतनी पॉपुलेशन अटैक की संभावना हो सकती है, हार्ट अटैक आ जाए, तो उसके लिए भी सब ड्रग्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कंसंट्रेटर्स हैं हमारे पास, और लाइफ सेविंग ऐसी ड्रग्स हैं जिससे हम हार्ट को वापस एक्टिवेट कर सकें। सर जानकारी लगी है कि जो नृत्यांगना आ रही है उनकी एचआईवी जांच भी की गई है, तो कितने महिलाओं के ऐसे एचआईवी जांच की गई? अच्छा, अभी हमने करीब 10 महिलाओं की एचआईवी और हेपेटाइटिस बी की टेस्ट किया है। ऐतिहासिक तौर पर हमें जरूरी लगा कि कभी श्रद्धालु आते हैं नर्तकियाँ हैं तो किसी के नेचर और उसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा करना चाहिए इसलिए हमने किया। तो कितना टारगेट है, कितने नृत्यांगनाओं की जाँच की जाएगी और किस उद्देश्य से ये जाँच की जा रही है? जाँच का उद्देश्य यही है कि नृत्यांगना है वो लोग और बाहर से श्रद्धालु आते हैं, अगर मान लो बाई कैरेक्टर अब मैं किसी पर कह नहीं सकता हूँ उसके लिए, क्योंकि वो भी हो सकता है अच्छे परिवार से हों, सिर्फ नृत्य करते हों, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं कि जिससे कभी भी आपस में कोई बॉन्डिंग हो तो इस तरह का एक दूसरे को बीमारी ना दी जा पाए। फिलहाल एचआईवी टेस्ट के मामले में सीएमएचओ पर गाज गिर चुकी है, ऐसे में देखना होगा कि जाँच के बाद अन्य अधिकारी कर्मचारियों पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। अशोकनगर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।